हेलो मेरे देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं शाही राजभोग, जो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आज हम इसे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे, इसमें हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। राजभोग बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाय का दूध लेना होगा और इसका पनीर निकालना होगा। मैंने 3 लीटर गाय का दूध लिया है, इसे हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। जब दूध अच्छे से गरम हो जाए तो गैस को ऑफ कर दें और उसे 1-2 मिनट के लिए चलाएं तो थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस ऐड करें, जिससे हमें लच्छेदार और सॉफ्ट पनीर मिलेगा। अगर आप इसमें जल्दी से लेमन जूस डाल देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे तो आपको लच्छेदार पनीर ना मिलके दानेदार पनीर मिलेगा, जबकि हमें राजभोग के लिए लच्छेदार पनीर चाहिए। हमारा लच्छेदार पनीर बनकर रेडी है। अब हम पनीर का सारा पानी निकालेंगे, जिसके लिए हमने एक मसलिन क्लॉथ लेना है। आप कोई भी वाइट कॉटन कपड़ा ले सकते हैं। इसमें पनीर डाल के इसका पानी निकालेंगे। जब अच्छे से पनीर का पानी निकल जाए तो इसके ऊपर साफ पानी डाल के और इसे अच्छे से वॉश कर लें, जिससे कि इसका सारा खट्टापन निकल जाए। पनीर को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे लगभग 30 मिनट के लिए हैंग कर देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए और हमें सॉफ्ट सा पनीर मिले। लगभग 30 मिनट के बाद हमारा पनीर बनकर रेडी है। अब हम राजभोग बनाएंगे, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें 300 ग्राम पनीर है, 300 ग्राम ही हमने चीनी ली है, थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम लिए हैं और 10-15 केसर के तार हमने पानी में भिगो दिए थे। अब हम सबसे पहले पनीर को एक परात में डालेंगे और इसे लगभग 10 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि ये एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। पनीर को अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसमें केसर ऐड करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए वापस से अच्छे से मसल लेंगे। राजभोग बनाने के लिए हमारा सॉफ्ट सा पनीर का डो बनकर रेडी है। अब हम राजभोग की फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा पनीर हमने साइड में रख लिया था। इसमें हम कटे हुए काजू और पिस्ता डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे राजभोग की स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम पनीर के छोटे गोले बनाएंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे, जिसके लिए सबसे पहले गोले बना के उन्हें साइड से चपटा करना है। हमें साइड को थोड़ा पतला करना है और बीच में स्टफिंग भरनी है और वापस से इनको गोल कर देना है। और इसी तरह से हम एक एक करके सारे गोले बना के रेडी करेंगे। अब हम राजभोग के लिए चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1 बड़ी कटोरी चीनी लेनी है, जो लगभग 300 ग्राम है। जितना हमारा पनीर था उतनी ही हमें चीनी लेनी है और 4 कटोरी पानी लेना है और पतला सा शुगर सिरप रेडी करना है। इसमें हमें कोई तार की ज़रूरत नहीं है। हमारी चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम इसमें केसर मिला हुआ पानी ऐड कर देंगे, जिससे हमें केसर का फ्लेवर और कलर दोनों मिले। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से हम चाशनी को लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हमारी चाशनी बनकर रेडी है। अब हम इसमें एक छोटा सा पनीर का बॉल डालेंगे और इसे पकने देंगे। अगर ये 2-3 मिनट बाद नहीं फटता है तो हम इसमें एक एक करके पनीर के सारे बॉल डाल देंगे। हमने पनीर के सारे बॉल चाशनी में डाल दिए हैं। अब हम इसे लगभग 12 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। दस बारह मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे, इसे फिर से 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। 1-2 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे।
हमारा राजभोग बनकर रेडी है। इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल के इसे गार्निश करेंगे। थोड़े से केसर के रेसे भी डालेंगे। इसे हम चिल ही सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।